Recording in progress. Very good. Recording in progress. Very good. Recording in progress. Very good. Chalodar, Sakara answer. सर इको हो रहा है। यस अब नहीं होगा। क्या हो रहा है अभी भी? सर अभी नहीं हो रहा है। ओके चलो तो इसका आंसर देखो क्या होगा। 10x पावर में 1 ऐड किया 3/3 5×x^2 पावर में 1 ऐड किया 5/5 प्लस ये होगा 20×x। है क्लियर सबको? यस। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन है। कल मैंने आपको लिमिट के साथ में भी प्रोवाइड किया कैसे पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे पुट करना करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20+5x ऐसा एक इंटीग्रेशन दिया है एंड इसके लिए लिमिट्स दी है x=2 to x=3। कर सकते हो सिंप्लीफाई इसको। क्या करना होगा, सबसे पहले 20 का इंटीग्रेशन बनेगा 20×x प्लस 5x है उसका इंटीग्रेशन बनेगा x² / 2 और लिमिट्स है यहाँ पे 2 आएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, पहला ब्रैकेट 20×4 प्लस 5×4² = 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 20×2 प्लस 5×2² = 4/2। है क्लियर? यस सर। चलो सिंपलीफाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा 20×4 = 16/2 मतलब ये आएगा 8×5 = 40 माइनस 20×2 = 40 प्लस ये 2 कैंसिल होके 10 यानी कि 120 - 50 फाइनल आंसर विल बी 70। ओके तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्या रिलेशन होता है उसको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब ध्यान देंगे सब लोग। देखो हमने देखा है कि बेसिकली वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt यानी कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज माइक ऑन म्यूट करो, किसका माइक ये, ठीक है। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंशिएटेड विथ टाइम हमें क्या मिलता है, देन वी विल गेट वेलोसिटी। वेरी गुड, वी विल गेट वेलोसिटी। अब कल आपको डिस्कस कर रहे थे और कल हमने देखा था कि बेसिकली डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन एंड जो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखते हैं यानी कि उल्टा पुल्टा होता है। यस सर, वो वाला जो आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन यानी कि और दिखाना। चलो तो अगर मुझे ये v=dx/dt है, अब ध्यान से सुनो सब लोग, अगर इस एक्सप्रेशन से अगर मुझे वेलोसिटी मालूम है एंड मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे उसका उल्टा यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम विल गिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो हमें वेलोसिटी मिलती है। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी से तो टाइम के साथ इस तरह से डिफरेंशिएट करूंगा यानी ये फॉर्मूला मिल गया एक्स का, मतलब वेलोसिटी के ऊपर से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे सब लोग? yes, sir. उसी तरह से क्या होगा देखो, उसी तरह से जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं फ्रॉम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जब भी वेलोसिटी से निकालना है तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, बराबर। तो उसी तरह से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम एक्सेलरेशन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि कल का लेक्चर का पार्ट एंड आज के लेक्चर का पार्ट अगर कंबाइनली डिस्कस करेंगे तो हमें यहाँ पे मालूम होगा कि डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव वेलोसिटी, देन डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी विल गिव एक्सेलरेशन। एंड उसी तरह से अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी टी तो हमें क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। उसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी। चलो तो ये चारों पॉइंट, यस ये चारों पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आगे हम ग्राफ का डिस्कशन करने वाले है। क्लियर? क्लियर है सर। यानी कि आपको अभी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, एग्जांपल कि इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, जैसे हम पहले भी इस टाइप की एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं कि वेलोसिटी इज गिवन बाय 25t² + 10, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और आपको बोला गया है देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन आपको निकालना है जब टाइम 2 सेकंड होगा एंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है जब वहां पे 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है और हम उसको सिंप्लीफाई करने वाले, सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, वेरी गुड, ऊपर ही लिखा था कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन बनेगा डी बाई डी टी ऑफ वी, बट वी का इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ए बनेगा डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में 25t² + 10। अब डेरिवेटिव का भी एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, विच वन, डेरिवेटिव करते टाइम जो भी पावर होगी उस पावर से मल्टीप्लाई करो एंड पावर में से 1 सबट्रैक्ट करो। यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 25 × t, वेरी गुड, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी 10 का डेरिवेटिव 0, सो योर एक्सेलरेशन विल बिकम 50 इन, बट हमें टाइम दिया था क्वेश्चन में, कितना टाइम है, 2 सेकंड, एक्सेलरेशन 100, कितना टाइम बोलो, सो एक्सेलरेशन विल बी 100 m/s² इन दिस केस। क्लियर सर? माझे डिस्प्लेसमेंट आले, चेक कसा करायचा, डिस्प्लेसमेंट आले का, हां 1191 आते सर, 1191, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं सॉलिड करता हूं फिर चेक करेंगे, करेक्ट होगा तुम्हारा। देखो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेलोसिटी का इक्वेशन 25t² + 10 × dt। नाउ अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन में होता क्या है, पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड होगा, बनेगा 25t³/3 प्लस 10 × t। और आपको बोला है कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 5 सेकंड, तो 25 × 5³ + 10 × 5 = 50। क्लियर, या तक समझ में आ गया सबको, कळलं का बाळांनो?
हो सर। चलो करो सिंपलीफाई फिर, कितना होगा 25 इनटू 125 मतलब 3125 अपॉन 3 प्लस 50। अब 3125 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 1091 1092 इसके आसपास आ रहा है सर। 1041.6 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना आता है 3092 के आसपास। 1091.66 मतलब एप्रोक्सीमेटली 1092 लिख सकते हैं। यस सर। सनी सेम था। हाँ सर ये चलता है 1091। ओके वेरी गुड, चलो एक्सलेंट। चलो बाकी लोगों को समझ में तो आ गया ना कैसे करना है। अब सेम क्वेश्चन में देता हूँ आपको, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है 20t+2, ये एक्सेलरेशन दिया है और आपको बोला है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 से। चलो एकदम स्पीड से करना है सबको, अभी समझ में आ गया, एक ही स्टेप में आना चाहिए आंसर। जिनको नहीं समझाता उनके लिए अपन धीरे धीरे करेंगे, जिनको आता है वो करो। मीटर पर 44। वेरी गुड 44। क्या yes, क्या बात है। मैं क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है चलो ये विधि दम मेंटेन करो। यस चलो क्या करना होगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dt। अब मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखता हूं, क्या आएगा इंटीग्रेशन 20t था तो 20t² अपॉन 2 आएगा, मतलब 10t² प्लस 2t, t कितना है 4, 2² 4, 4 into 10, 40, 2 into 2, 4, 44 का? Yes, sir. Clear everyone? Good, very good. चलो, one more. आपको अगर acceleration दिया है 30t प्लस 10 और बोला है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट इक्वल्स टू 5 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। कर सकते हैं अभी सर वेलोसिटी 425। चलो कर सकते हैं क्या एवरीवन सर वेलोसिटी 425। वेरी गुड, चलो आप डिस्प्लेसमेंट करो। वेलोसिटी 425। यस करेक्ट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग क्या होगा, वेलोसिटी बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डीटी। अब एक्सेलरेशन दिया है 30t प्लस डिस्टेंस 80 है इनटू डीटी, डिस्टेंस 80 है, डिस्प्लेसमेंट 80 का 80। हाँ सर। हो सर। वेरी गुड, करेक्ट बोथ आंसर्स, करेक्ट है, करेक्ट है। 15t² प्लस 10t और वेलोसिटी चाहिए 5 बनेगी, 15 × 5² 25 प्लस 10 × 5 मतलब 50, तो 15 × 25 कितना आ रहा है 375 प्लस 50 मतलब सेम आई थी ना वेलोसिटी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूं? वेलोसिटी डिफरेंशियल इंटीग्रेट। वेरी गुड, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्वेश्चन में तो दिया नहीं था लेकिन हम जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया था। So I have to use this equation. So ये बनेगा x equals to integration of 15t² plus 10t इसका integration. फिर से वही रूल, पावर में 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, ये बनेगा 15t³ अपॉन 3 यानी कि 5t³ प्लस 10t² अपॉन 2 यानी 5t² 80 सर 80 70 क्या एक मिनट हम ओके 8 into 5 40 स्क्वायर 4 5 इंटू 4 20 60 आ रहा है ना सनी सर। वो 3 है
सर 60 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। हाँ सर 60। किसी और को प्रॉब्लम इसमें? सर आपने वो 5t स्क्वायर किया तो आपको वो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या क्या? नहीं नहीं एक्चुअल में 10t था कृति, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 10t स्क्वायर बाय 2, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 5t स्क्वायर। कृति चलो नेक्स्ट। आपको दिया है एक्सेलरेशन 5 और आपको चाहिए वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड। कर सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। आप चाहिए डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है सनी, एट टी इक्वल्स टू 10 सेकंड। चलो बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे लेकिन क्लियर हो रहा है कि नहीं? माइक म्यूट करो, जिसको प्रॉब्लम है बोलो। मैं वेलोसिटी तो 250 सर। यस बोथ आंसर्स करेक्ट सर। यस करेक्ट करेक्ट। आंसर नहीं दे रहे बेटा, क्या इशू है? देवेश का आंसर कहाँ पे? आज तन्विशा, शिवम, अजिंक्य, अनिरुद्ध, देव, प्रणीता, प्रसाद, क्वेश्चन एक और बार साक्षी, शुभम, आंसर चाहिए सबके। चलो सर वो क्वेश्चन दिखा। यस ये क्वेश्चन ही है बेटा। हाँ सर वो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन सर, अभी दिख रहा है। तो जब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं वेलोसिटी के लिए क्या करता हूँ? सिंपली एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट। अब एक्सेलरेशन है कितना? 5। हमें मालूम एक कांस्टेंट है तो उसके साथ बस टी से मल्टीप्लाई करना है, 5t। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी बन गई 5t। आपको टी 4 दिया था, पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा वी इंटू डीटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बनेगा इस इंटीग्रेशन 5t² / 2। अब 5t² / 2 अगर आ रहा है, टी की वैल्यू 10 दी है, 10² 100 into 5 500/2 मतलब 250 मीटर। हो रहा है क्लियर सबको? यस सर। चलो माइक खराब है क्या? सनी एंड कीर्ति के शोर के मुझे आवाज ही नहीं आ रही किसी की। माइक खराब है, आज बोल ही नहीं रहे कोई। तो अब यहाँ पे चलो ना। ओके समझ में आ रहा है ठीक से देव? यस सर। यस सर वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला वो बताओ ना सर। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है बेटा? सिर्फ जो वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी का इक्वेशन था, क्या इक्वेशन है वेलोसिटी का? 5 into t। मैंने बस ये 5 into t वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। अब 5t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5t² आने 2 का घर ही छोड़ लेगा। 5t² / 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है। हो गया क्लियर? हाँ सर अभी क्लियर है। तो होता क्या है देखो, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं मतलब डेरिवेटिव लेते हैं, तो ग्राफ में उसके लिए हम क्या करते हैं? इसी तरह से जब हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन लेते हैं तब हमें ग्राफ का निकालना पड़ता है एरिया। समझ में आ गया सबको? Yes, किसी भी ग्राफ को अगर आपको बोला है कि उसका डेरिवेटिव लेना है मतलब आप क्या करेंगे? स्लोप लेंगे। एंड आपको अगर बोला जा रहा है कि किसी भी ग्राफ का आपको एरिया निकालना है मतलब आप क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है,
पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो इस ग्राफ का अगर मैंने स्लोप लिया तो मुझे क्या मिलेगा? स्लोप लिया मतलब डेरिवेटिव किया, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे मतलब क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। वेरी गुड। अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और इस ग्राफ का अगर मैंने स्लोप लिया मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये तो अपन इसके एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी तरह से आपको याद करना है, इफ आपको अगर ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, एंड ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका आप अगर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट वेलोसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आप एरिया निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। है क्लियर सबको? यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, एक काम में आने वाला है आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आपको एक ग्राफ दिया है और ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और उसमें आपको ग्राफ का जो वेरिएशन है वो कि ग्राफ स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे जाता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी बन गई 20 मीटर पर सेकंड इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, एंड उसके बाद सडनली ये जो वेलोसिटी है उसी इंस्टेंट पे जीरो बन जाती है। ऐसा ग्राफ है वेलोसिटी, और आपको बोला है कि इस ग्राफ के ऊपर से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ए। यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिया है। सर 10 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट। एक्सलेंट, वेरी गुड। कैसे? कल तो दिन भर यही कर रहे थे ना। फॉर्मूला था डायरेक्ट। वेलोसिटी मतलब चाहिए स्लोप, स्लोप मतलब dy by dx, मतलब ये 20 ये ट्रायंगल बन गया ना स्लोप के लिए, ये एंगल थीटा, अपोजिट साइड 20, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर सर? डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। आपको बोला डिस्प्लेसमेंट अजून वेळ बेटा आपल्याला, करेक्ट इज द आंसर। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन चाहिए। कितना होगा? जीरो होगा। जीरो होगा ना, क्योंकि बी पॉइंट पे स्लोप जीरो आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का थीटा जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन विल बी जीरो, है ना। अब अगर सेम ग्राफ से मुझे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? ये ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व। अब कौन सा ग्राफ है, नेचर क्या दिख रहा है इसका, सर्कल या रेक्टेंगल है? सर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर की। हां डायग्राम, वेरी गुड। डायग्राम में दिख रहा है ट्रायंगल, हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, बेस कितना है? 2। हाइट कितनी है? 20। तो यहाँ पे जो एरिया था यानी डिस्प्लेसमेंट था वो बन गया 20 मीटर, क्योंकि 2 कैंसिल। आ रहा है आइडिया? यस सर। कितनी इंटीग्रेशन को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, बट इधर इंटीग्रेशन का ऐसे ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा है, हम बस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। हाँ तो एरिया लेना मतलब इंटीग्रेट करना बेटा, इस एरिया लिया ना। यस सर। एरिया जैसे स्लोप लिया मतलब डेरिवेटिव लिया। हाँ सर। ठीक है, क्लियर? यस। चलो वन मोर
आपको बोला है कि जो वेलोसिटी थी, किसी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वो स्टार्ट हुई थी ओ से, ए तक इंक्रीज हो गई, फिर ए से लेके बी तक कांस्टेंट थी, फिर बी से जाके ये सी के ऊपर फिर से जीरो बन गई। और आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल्स दिए हैं, ये टाइम इंटरवल है 10, ये टाइम इंटरवल 20, यहाँ पे टाइम इंटरवल है 30 सेकंड सेकंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दी है वो दी आपको 20 मीटर पर सेकंड। तो मुझे पहले चाहिए एक्सेलरेशन एट ए, बाद में चाहिए एक्सेलरेशन एट बी, सर एक्सेलरेशन बाद में चाहिए कितना एक्सेलरेशन एट सी, ओके 2 होगा, ओके वेरी गुड सर। सेकंड स्क्वायर सर बी वर 0 है ना, कौन क्या बी पे 0? हाँ सर। एंड सी, सी पे सर सी पे 0 है, सी पे 0 है सर, नेगेटिव आएगा ना, रिटार्डेशन आएगा ना, नहीं नहीं सी पे ये लेना पड़ेगा ना, ये ले लो कि वह ये ले लो, और ये आएगा वो नेगेटिव में आएगा बस। देखो एक्सेलरेशन एट ए निकालने के लिए ये स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए मतलब थीटा चाहिए, तो क्या बनाइए 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद में बी के ऊपर की कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लोप तो 0 है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सी के ऊपर जो है ये थीटा का 20/10 यानी 2, बस ये थीटा जो है 90 से बड़ा है इसलिए रिटार्डेशन होगा, मतलब ये बनेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बोलो इस पूरी प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, कर सकते डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, यस नो? कर सकते हैं क्या बेटा, रिप्लाई करो सर। डिस्प्लेसमेंट 0 है का? 0 नहीं है ना बेटा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 कब आता, अगर ओ से निकल के ओ के ऊपर आती, लेकिन बॉडी कहाँ पे, ओ से निकल के सी के ऊपर आ गई ना। समझ लगा सनी? हो सर, तो हमें निकालना पड़ेगा पूरा दो ट्रायंगल की एरिया ऐड करने पड़ेंगे। यस, यहाँ पे ये पहला वाला ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, तीसरा वाला ट्रायंगल, ये तीनों की एरिया ऐड करो, या फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर अच्छी है तो आपको मालूम होगा ये क्या है, ट्रेपेजियम। वेरी गुड, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। कर लो फिर एक स्टेप में आंसर आएगा सर, वो सी 30 पे है। चलो जिनको यस, जिनको हो गया क्लियर, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है? तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2 इनटू बेस कितना यहाँ तक 10 इनटू हाइट कितना है 20, तो ये कैंसिल होके ये आ गया 100 मीटर सर। 400 एरिया निकालेंगे वो भी ट्रायंगल का, सर एरिया 400 है। एक मिनट, यस एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट वो डायरेक्टली, ये भी 100 और तीसरा बचा कौन, रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ या फिर लेंथ इनटू ब्रेड, ये बनेगा 20/10 यानी 200 मीटर। टोटल एरिया यहाँ पे बनेगा, टोटल एरिया यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 400 मीटर।
ऐसे स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको फॉर्मूले मालूम नहीं है तो। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेपेजियम कंसिडर करूंगा, इसमें क्या होता है, ऐसी शेप होती है इसमें, दो साइड्स पैरेलल होते हैं एंड दो पैरेलल नहीं होते। तो ये पैरेलल की जो लेंथ है, जैसे ये एक्स है एंड ये वाई है एंड इनकी जो हाइट है, ये अगर स्मॉल ए है तो इसका क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब अगर डायग्राम में देखेंगे सेम डायग्राम को, तो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना है, 10। यहां से यहां तक कितना है, 30। यानी यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड जो आएगी वो आएगी 10+30 यानी 40। एंड हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 20। सर तो हाइट विल, यस सर, ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, ए टू बी में देखा, हाँ ना सर, बॉडी रेस्ट एरिया सर ना, नहीं ना बेटा, रेस्ट नहीं है ना, बॉडी बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये तो होती है, पर ये ओवर, ये तो इनिशियल पोजीशन, ओके फाइनल पोजीशन ही से का नहीं ना, ये ना फाइनल पोजीशन नहीं सर, ए टू बी मतलब ए टू बी, ए टू बी मतलब डिस्प्लेसमेंट का नहीं बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, आपको पता है, बोलो ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तुझे मानतो है ना कि अशी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पण हा जर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम चा असला असता, इन दैट केस बॉडी रेस्ट ला असली असती ए पासून बी पर्यंत, बरोबर, बट हा ग्राफ कोणता आहे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम चा, याचा अर्थ ए पासून बी पर्यंत वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे, सनी सनी जो कंफ्यूजन था हो रहा है, क्लियर, ठीक है, अगर नहीं हुआ क्लियर तो लेक्चर के बाद में करो, ठीक है, और डिटेल में एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपको टाइम की इंटरवल दी है, 5 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड है एंड वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, कर सकते कैलकुलेट आप, क्वेश्चन दिख रहा है, चलो एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है क्या सर, 150 सर, आगे आंसर, वेरी गुड, 150 चलो, यस ओके, वेरी गुड, बाकी लोग भी ट्राई करो, क्या होगा, पहले ये शेडेड पोर्शन का एरिया, बाद में ये शेडेड पोर्शन का एरिया, पहले डायग्राम में कोण है ट्रायंगल, तो उसका ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2, तो कितना मीटर पर सेकंड, यानी 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद में एरिया ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी कोण है रेक्टेंगल, तो वो बनेगा 5 × 20, यानी ये हो गया 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 150, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होगा टोटल एरिया, दैट विल बी 150 मीटर, चलो वन मोर, सर
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन करो सॉल्व। फिर से क्या करना है आपको, बस एरिया निकालना है। अभी क्या है यहाँ पे, एक तो ट्रापेजियम ले लो, या फिर ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कर सकते हैं सॉल्व इसको। हाँ सर, पर डिस्प्लेसमेंट करो। हो डिस्प्लेसमेंट का है 600 का। 375 सर। हाँ सर, 375। वेरी गुड, करेक्ट, एक्सेलेंट। ठीक है, फिर से हमारे पास दो मेथड है। पहले एरिया ऑफ ट्रैपेजियम लेंगे तो 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन कौन है, ये 0 से 20 - 5 मतलब ये 15, यानी 60 + 15 आएगा 75, इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये आएगा 5 × 75, सो इट विल बी 375 meters। दिस विल बी द टोटल एरिया, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब ग्राफ दिया है आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। और यहां पे एक्सेलरेशन दिया है 2 square, देन कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम द गिवन ग्राफ। 20, एक्सलेंट, वेरी गुड, 20। कैसे? फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया है, उससे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम एरिया के लिए जाएंगे। एरिया बनेगा 1/2 × बेस, बेस है 20, हाइट है 2, 2 कैंसल, सो यहाँ पे 20 m/s, दिस विल बी द वेलोसिटी। क्लियर सबको? मतलब कितनी सिंपल बात है, देखो कि फिर से वही बात है, अगर आपको ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया है उसका एरिया निकालो, वो बन जाएगी वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो उसका एरिया निकालो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। अगर अगर हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, यस, उसका अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना डेटा आपको रिमेम्बर कर। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगर आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है और वो इस तरह से है, और ये 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 40 m/s है, यहाँ पे वेलोसिटी 20, ये टाइम है 10 सेकंड, ये टाइम है 20 सेकंड। पहले कोई बोलेगा कि इस ग्राफ की मीनिंग क्या होगी, मतलब क्या होगा सर, उसका वो रिटार्डेशन भी कर रहा है। वेरी गुड, रिटार्डेशन नहीं, वहां पे क्या हो रहा है, देखो रिटार्डेशन तो हो ही रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिख रही है, ये यहाँ पे ये वेलोसिटी है, मतलब एक डायरेक्शन में जिसको अपन पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे। उसके बाद सडनली गाड़ी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ली और वो नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई मतलब क्या हो गई, पहले जिस डायरेक्शन में थी अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, बराबर? यस सर। के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा कि पहले जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है वहां तक, वहां का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा जिसको हम फर्स्ट एरिया बोलेंगे।
उसके बाद गाड़ी ने क्या किया, अपने डायरेक्शन चेंज कर ली और तब जाके जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि देखो, अगर एरिया फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे वही होगा 1/2 इनटू बेस 10 है, हाइट 40 है, तो कितना आएगा ये 200। क्या होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं सेकंड एरिया कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 20, मतलब ये बनेगा 100 मीटर। है क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ये तो हमारी रेगुलरी मेथड है, इसमें कुछ नया है नहीं। बस यहाँ पे एडिशनल पार्ट आपको याद रखना है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये हमें एरिया फर्स्ट इसमें से सर 100 है ना, या सेकंड को सबट्रैक्ट या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों किया ये सबट्रैक्ट सर? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसके वेक्टर्स। एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये जो है इस डायरेक्शन में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव हुआ था, ये डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब निगेटिव होगा। इसलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर की केस में जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो रहेगा 100 मीटर। एंड अगर मुझे सेम क्वेश्चन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? एडिशन दोनों का। एडिशन। एक्सलेंट। क्यों? डिस्टेंस कैनॉट बी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है, कहीं सर, भी वो ऊपर का डायग्राम दिखा ना, उसको कंसीडर करते ही सर वो डायग्राम दिखा। दिख रही क्या? हाँ सर। ओके चलो, वन मोर। फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ये टाइम इंटरवल आपको दिए 2 सेकंड, ये दिए 4 सेकंड और ये दिए 8 सेकंड। नाउ कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। कर सकते हैं? कॉमन पास एवरीवन, कर सकते हैं कैलकुलेशंस? सर 50 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। और डिस्टेंस? सेवेंटी। वेरी गुड। सर मेरी तो डिस्प्लेसमेंट 40 आ रही है और डिस्टेंस 80। चलो मैं चेक करके बताऊं। सबसे पहले क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 है, तो मुझे 1 + 2 और इनमें से थर्ड माइनस करना पड़ेगा एंड डिस्टेंस के लिए 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट एरिया कितना आता है, 1/2 इंटू बेस 2 मतलब 20। सेकंड एरिया कितना आता है, एल इंटू बी मतलब 80। एरिया 3 कितना आता है, 10। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बनेगा
90 meter and distance will be 110 meter. Clear? Sir, diagram dikhao. सर वो स्क्वायर का तो 2 × 20 आएगा ना क्या सर जो स्क्वायर बना नहीं सर टू सर जो आपने टू नंबर दिया है वहां पे तो 2 × 20 आएगा ना यस यस 2 × 20 होगा बराबर ये 40 होगा मैंने 4 लिया था करेक्ट करेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट आएगा सर डिस्प्लेसमेंट 40 है 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नहीं ना बेटा सर वो 4 से 4 ना तुम्हारा थर्ड एरिया कितना आया वो बोलो कृति सर 20 कैसे 20 सर वो 5 है उधर और फिर वो 4 है 1/2 करना पड़ेगा ना 1/2 कौन करेगा थर्ड ट्रायंगल है ना कृति हाँ सर समझा ओके चलो है क्लियर फिर सबको हाँ सर क्लियर है चलो तो दिस इज ऑल अबाउट नहीं है अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है बट नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम मॉड्यूल जिनके नंबर होंगे 127 से 160 हाँ 160 तक ही करो आज ठीक है सारे के सारे सॉल्व नहीं होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ दी सॉल्व होंगे ठीक है नहीं भी आ रहे कुछ कंसेप्ट हमारी पेंडिंग है जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं आपको पीटी का मैं इवनिंग को बोलूंगा अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो और वो कंप्लीट करो होमवर्क 127 टू 160 जो सॉल्व एग्जाम्पल से फ्रॉम मॉड्यूल ये सॉल्व करने के सारे सॉल्व नहीं होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ दी सॉल्व होंगे और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है फ्रॉम सेम ग्राफिकल क्वेश्चन का पार्ट दैट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारोस लेक्चर ओके एसबीटी का नोटिफिकेशन यू विल रिसीव देन एसबीटी रहे ओके चलो थैंक यू सर